हेलो गाइज, मेरा नाम सुम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फाइनली यार, यहाँ पे Redmi Note 11 Pro Plus के लिए एक और न्यू अपडेट ऑल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसकी वर्जन की बात करूँ ना, MIUI 13.0.4.0 आपको देखने मिलता है। अब ये MIUI 13 का सेकंड अपडेट मान सकते हो जी हाँ, और स्टेबल अपडेट है। 370 MB का साइज देखने मिलता है। तो इस अपडेट में आपको क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलते भी हैं या नहीं देखने मिलते, सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्या कुछ आपको देखने मिलता है, क्या कुछ इंप्रूवमेंट देखने मिलता है, कैसा ये अपडेट है, सब कुछ आज की बताने वाला हूँ। बस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना। और एक बात, जिनको ये अपडेट नहीं मिला, 5-7 दिन का वेट कर लो। Xiaomi वाले धीरे धीरे करके रोल आउट कर रहे हैं, तो 5-7 दिन में आपको भी अपडेट मिल जाएगा। जी हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही बात बोलना चाहूंगा, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लो यार, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, 200 लाइक का टारगेट रखते हैं हम, ज्यादा रखते नहीं है। आज अपडेट आया, लाइक तो बनता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं Redmi Note 11 Pro Plus डिवाइस है, 13.0.4.0 आपको देखने को मिलता है। जो एंड्रॉइड वर्जन आपको 12 देखने को मिलता है, 13 तो हमें बाद में देखने को मिलेगा। और जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच है वो आपको मतलब 2023 को देखने को मिलता है। ये काफी अच्छी बात लगी इस अपडेट के साथ, आपको जनवरी का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फाइनली इस सिक्योरिटी पैच को इंक्रीज कर दिया गया है। पहले चीज की बात करने से पहले बता दूं, हो सकता आप इस डील को मिस करते, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए, क्योंकि इंडिया का बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल चल रहा है रिलायंस डिजिटल स्टोर पे, जहां पे आपको अप टू 20,000 का बैंक डिस्काउंट देखने को मिलेगा ऑल क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पे। जी हाँ, जो कि लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए चल रहा है, 21 जनवरी से लेकर 29 जनवरी को। और आईफोन पे तो काफी तगड़ी डील चल रही है, जैसे कि आईफोन 13 44,000 के आसपास आप बाय कर सकते हो, आईफोन 14 की बात किया तो 54,000 के आसपास। तो काफी अच्छी डील देखने को मिल रही है और काफी अच्छे डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे, तो आप इन्हें ग्रैब कर सकते हो। मैंने तो इस सेल के अंदर 2 प्रोडक्ट बाय कर लिया यार। सबसे पहला Realme 10 Pro Plus मैंने बाय कर लिया जी हां, कर्व डिस्प्ले के साथ आता है 26,000 के अंदर जी हां, 8GB रैम वाला वेरिएंट, जो कि मतलब काफी अच्छी डील लगी यार। कर्व डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, इस प्राइसिंग के अंदर कोई नहीं देता। और iPhone 13 का मैंने चार्जर भी यहां पे परचेज किया इस सेल के अंदर, जो कि Flipkart Amazon से मैंने कंपेयर करके देखा ना, तो काफी अच्छी प्राइसिंग में देखने को मिल रहा था, तो मैंने इसको यहां से ग्रैब कर लिया है। बाकी आपको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, नियरेस्ट जाके भी आप बाय कर सकते हो या ऑनलाइन भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। और कुछ अपडेट की बात करूं, तो जैसे ही अपने फोन को अपडेट करोगे तो यहां पे ऑटोमेटिकली एक गेम सेंटर वाली एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलेगी, जिसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि मैंने ऑलरेडी अनइंस्टॉल कर रखा है तो आपको दिखा नहीं पा रहा, लेकिन आप अपडेट करोगे तो वहां पे गेम सेंटर वाली एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, जिसमें कुछ गेम वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। तो मुझे फालतू सी एप्लीकेशन लगी तो मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया, लेकिन आपके फोन में वो चेक कर लेना, वो आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट कुछ चेंजेस की बात करूं इस अपडेट के अंदर, मान लीजिए आपके पास कोई भी एप्लीकेशन है, जैसे कि मैं इसके अंदर जाता हूं और एप्स के अंदर जाता हूं, और यहाँ पे मान लीजिए मैं इस सेटिंग एप्लीकेशन को अप टू डेट पे लगा देता हूँ। अप टू डेट लगाने के बाद दिखाता हूँ यहाँ पे क्या कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे डन कीजिएगा तो यहाँ पे देखते हैं सिक्योरिटी स्कैन का जो कुछ इस टैप में देखने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा, चेकिंग सिक्योरिटी इशू पहले भी था लेकिन इस अपडेट के साथ सभी को ये देखने को मिल चुका है कुछ इस टैप के अंदर। और लेआउट देखते हैं कितना अच्छा देखने को मिलता है, जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो ये आपका ग्रीन हो जाता है। और यहाँ पे आई थिंक इसमें कुछ दिक्कत होगी एप्लीकेशन में, तो ये आपको वार्निंग भी देगा, यहाँ पर रेड टाइप में आपको देखने को मिलेगा। और सेटिंग में जाके इसको ऑफ करना है तो ऑफ भी कर सकते हो। तो ये इसका जो लेआउट है ना, चेंज कर दिया गया, जब भी किसी एप्लीकेशन को अप टू डेट करते हो या कोई भी चीज एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, तो ये चीज इस प्रकार से। नेक्स्ट चीज की बात को, तो वो आपको देखने को मिलेगा आपके सिक्योरिटी एप्लीकेशन के गेम टर्बो के अंदर। जैसे कि मैं गेम टर्बो को यहाँ पे अनेबल कर लेता हूँ और गेम टर्बो को ऑन करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो गेम टर्बो में जाते हैं और यहाँ पे मान लीजिए किसी गेम को हम स्टार्ट कर देते हैं, गेम तो नहीं है लेकिन आपको दिखाता हूँ, जैसे कि एक्टिविटी लॉन्चर है, और देखते हैं कुछ इस टाइप में लेआउट। लेआउट पहले जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ऑन स्क्रीन कम्युनिकेशन वाला एक फीचर आपको देखने को मिलता है, जिसे आप इसी प्रकार से ऑन कर सकते हो। हालांकि किस तरीके से वर्क करता है ये तो नहीं पता, लेकिन ये एक चीज नई ऐड हो चुकी है। पिछले अपडेट में कई लोगों के साथ ये ऐड हुई थी फीचर, लेकिन ये ऑलमोस्ट अभी इस अपडेट के साथ सभी यूजर को दे दिया गया ऑन स्क्रीन कम्युनिकेशन का, जैसे यूज करना चाहते तो आप इस अपडेट के साथ। मैं चेंजेस की बात करूं तो वो आपको देखने को मिलता है आपके सिम कार्ड के अंदर। जी हां, आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इस अपडेट के साथ। जैसे आप, जैसे मैं Jio पे क्लिक करता हूं, नेटवर्क टैब में जाता हूं, तो यहां पे 5G का ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन आपको बता दूं, आपके एरिया में 5G होना जरूरी है जब भी आप 5G इंटरनेट का यूज कर सकते हो। अगर आपके एरिया में 5G नहीं है, 5G इसमें आ चुका है, लेकिन अगर आपके एरिया में 5G नहीं आया तो 5G इंटरनेट का भी यूज नहीं कर सकते, तो ये आप कंफर्म कर लीजिए। अगर आपके इंटरनेट 5G आपके एरिया में है, इस अपडेट के साथ 5G का सपोर्ट देखने को मिल चुका है, तो अपने jio.com पे जाके, अगर Jio की सिम है तो वहां पर रजिस्टर कर लीजिए, आपको फ्री ट्रायल भी देखने को मिल जाएगा। तो 5G का सपोर्ट अभी आपको देखने को मिल जाता है। और इस अपडेट के साथ काफी लोग ये पूछेंगे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे 10 सेकंड का जो ऑप्शन है वो रिमूव हुआ है कि नहीं है, तो हम चेक करते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो यहाँ पे 10 सेकंड का ये ऑप्शन देखने को मिलता है, परमानेंट का ऑप्शन नहीं दिया है, एटलीस्ट 1 मिनट का दो यार Xiaomi वाले, लेकिन नहीं दे रहे यार। AMOLED डिस्प्ले होने का फायदा क्या यार, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भाई साहब 10 सेकंड का, 10 सेकंड पता ही नहीं लगते कब जा चुके हैं, लेकिन ये दे ही नहीं रहे, 1 से 2 मिनट का दो, मतलब परमानेंट नहीं दे सकते, तो क्या हो गया यार। पर
आपको देना चाहिए या मतलब अनलिमिटेड का तो नहीं, एक से दो मिनट या पांच मिनट का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एटलीस्ट देना चाहिए। मैं चेंज की बात करूं इस अपडेट के अंदर, वो आपको देखने मिलेगा आपके थीम स्टोर के अंदर। थीम स्टोर के अंदर कोई भी आप थीम डाउनलोड करते हो, तो जैसे कि यहाँ पे मैं नेट वगैरह स्टार्ट कर लेता हूँ। नेट स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस पे, जस्ट ए सेकंड आ चुका है और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलता है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम करते हैं वापस रीलोड, ये आ चुके हैं। मान लीजिए एक थीम है, थीम के अंदर यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले डाउनलोड का ऑप्शन कुछ इस टाइप में देखने को मिलता है। अब मैं मान लीजिए इस थीम को मेरे को पसंद आ गया, मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस टाइप में। ये तो आपको पता है चेंजेस हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं कस्टमाइजेशन का एक अलग ऑप्शन देखने को मिलता है, पहले भी था लेकिन अब यहीं पर साइड में दे दिया गया। और यहाँ पे कमाल की बात है कि स्टेटस बार का ऑप्शन भी दे दिया गया, पहले स्टेटस बार का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता था लेकिन अब यहाँ पे स्टेटस बार का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब स्टेटस बार में इस थीम को अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि इस टाइप में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। पहले क्या होता था, सिस्टम में पूरा अप्लाई करना पड़ता था यहाँ पे भी अप्लाई करने के लिए, लेकिन अभी के लिए क्या होता है सभी थीमों पर यह नहीं है। जब अब नए थीम डेवलप हो रहे हैं उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करते। जो अब नई थीम जो डेवलप हो रहे हैं उसमें पर्टिकुलर थीम पर स्टेटस बार को अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो सिस्टम वाले हैं उसमें स्टेटस बार का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। और एक चीज आपको और दिखाता हूं, मान लीजिए मैं थीम को यहां पे अप्लाई कर लेता हूं वापस से, एक बारी मैं दिखा देता हूं। तो थीम को अप्लाई करने के बाद किसी किसी थीम में यहां पे देखते हैं ब्लूइश टाइप में आपको देखने को मिलेगा, मेरा नहीं देखने को मिल रहा लेकिन हो सकता है आप में ये चीज देखने को मिले। तो ये चीज आपको चेंज देखने को मिलेगी आपकी थीम एप्लीकेशन के अंदर। नेक्स्ट इस अपडेट के अंदर काफी लोग ये हमेशा पूछते हैं जब भी कोई अपडेट आता है कि जब भी कोई कॉल आती है तो वहां पे व्हाइट स्क्रीन वाली प्रॉब्लम फिक्स हुई है कि नहीं। तो ये मुझे पता नहीं अभी फिक्स हुई है कि नहीं, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, जब ये फोन थोड़ा ठीक ठंडा रहता है नॉर्मल में तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसी फोन हीट होता है जब वो प्रॉब्लम हमें होती है। आप पता है अभी सर्दियों में उतना हीट तो होता नहीं है, और पहले बात इस फोन के अंदर ये शुरू से ही मेरे फोन के अंदर प्रॉब्लम है। जब भी कोई कॉल आती है तो स्क्रीन वाइट हो जाती है 10-15 सेकंड के लिए, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप ये 6 GB रैम वालों के साथ हो रही है, 8 GB रैम वालों का पता नहीं है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रेडमी नोट 11 प्रो प्लस के लिए। जी हाँ, अभी सर्दियों में उतना पता नहीं लग रहा लेकिन जब गर्मी आएगी जब हमें पता लगेगा कोई कॉल आती है वाइट स्क्रीन होती है कि नहीं होती, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। तो इसमें से मैंने प्राइमरी सिम से तो हटा ही दिया था, क्योंकि कोई भी कॉल आती है यार वाइट हो जाता था, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पता नहीं अब फिक्स होगी कि नहीं होगी, अब पता नहीं इस अपडेट में हो सकता है मे बी फिक्स हो गया हो, लेकिन अभी देखना पड़ेगा। और मैं बात करूं इस अपडेट के अंदर मेमोरी एक्सटेंशन के अंदर कुछ आपको देखने को मिलता है। अब 6 GB रैम के अंदर आपको देखते हैं 2 GB रैम का एक्सटेंड देखने को मिलता है, 3 GB देखने को मिलता है 8 GB के अंदर। लेकिन अब मैं बता दूं MIUI 14 जब आएगा ना इसके अंदर 5 GB रैम एक्सटेंड करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी दो है ना, जब MIUI 14 आएगा तब, अभी नहीं, तो ये चीज अभी ऐड नहीं हुई। लेकिन Redmi Note 12 जो लॉन्च हुआ है उसके अंदर MIUI 13 के साथ ही 5 GB रैम एक्सटेंड करने का फीचर दे दिया। अब मे भी हो सकता है MIUI 13 का कोई नेक्स्ट अपडेट है उसमें भी देखने को मिल जाए, लेकिन MIUI 14 के ज्यादा चांसेस है उसी के साथ हमें 5 GB रैम एक्सटेंड करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब भी वो अपडेट आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यार, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार। और प्रेस एंड होल्ड करने के अंदर यहाँ पे ब्लर इफेक्ट आया है कि नहीं आया, तो वो चीज़ हमें नहीं देखने को मिलती। इसको काफ़ी लोग मिस कर रहे हैं यार, प्रेस एंड होल्ड करने में ब्लर इफेक्ट कब तक आएगा यार Xiaomi के अंदर, ये Xiaomi वाला दे ही नहीं रहे। अभी आपको दिखाया था जैसे कि आईफोन में देखने को मिलता है, और एक दो ब्रांड ने और देना स्टार्ट किया है अभी, लेकिन अभी Xiaomi ने देना स्टार्ट नहीं किया। देखते हैं ब्लर इफेक्ट कुछ इस टाइप में देखने को मिलता है, किसी भी एप्लीकेशन में प्रेस एंड होल्ड करो कुछ इस प्रकार का एनिमेशन आके पीछे वाला बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। अब ये फीचर आ जाए ना मज़ा ही आ जाए, लेकिन Xiaomi वाले पता नहीं कब इंप्लीमेंट करेंगे यार, देखो कब तक करते हैं। Xiaomi कोई फीडबैक दो यार, ब्लर इफेक्ट दो प्रेस एंड होल्ड करने पर, ये पता नहीं कब तक आएगा। लेकिन इस अपडेट के साथ ये नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि वन UI का जो न्यू अपडेट आया ना उसमें भी ये देखने को मिल चुका है, लेकिन अभी हमारे Xiaomi फोन में नहीं यार। अगले चीज की बात को तो अपने जो गैलरी के जो आपको सेटिंग देखने को मिलती है, जैसे कि आप गैलरी के जैसे सेटिंग के अंदर जाओगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो इसके अंदर आपको गूगल फोटो बैकअप देखने को मिल जाएगा। पहले यहाँ पे मी क्लाउड का देखने को मिलता था ना, लेकिन अब वो रिमूव हो चुका है, सभी फोनों में रिमूव हो चुका है। अब इसके अंदर अगर आपके मी क्लाउड के अंदर फोटो पड़ी है तो गूगल के अंदर आप मूव कर दीजिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करोगे, अगर आपको मूव करना है तो मूव कर सकते हैं। कुछ दिनों का आपको टाइम दिया हुआ है, 1-1.5 महीने का, वो चेक कर लेना इस पर आप क्लिक करके, तो वो आप देख लेना। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो अब आपको मी क्लाउड में आपकी जो बैकअप वगैरह लेके रखे हुए तो वो अपना ट्रांसफर कर लीजिए गूगल ड्राइव के अंदर। और कुछ इस अपडेट के अंदर बात को तो ज्यादा नहीं देखने को मिलता, और गूगल डायलर वैसे ही देखने को मिलता है, कोई भी ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं देखने को मिलती, और विदाउट अनाउंसमेंट वाली आपको नहीं देखने को मिलती। अब Xiaomi वाले खुद का डायलर लेके आने वाले हैं, ऐसा Xiaomi की तरफ से हिंट आ रहे हैं। फॉर्म वगैरह भी उन्होंने आए थे इनके सर्वे वाले, और साथ साथ उन्होंने जो नोट्स वाले सीरीज है उसमें खुद का मैसेज ऐप उन्होंने दे दिया है। अब बहुत जल्दी आएगा, लेकिन ये नहीं पता कब तक आएगा, क्योंकि Realme वालों ने तो अपना डायलर भाई प्ले स्टोर पर लॉन्च कर दिया है, अगर इंस्टॉल करना है जिसको कर सकते हैं। और लेकिन MI वाले पता नहीं कब तक देंगे, वो देखेंगे जब तक देंगे। तो यही कुछ आपको देखने मिलता है Redmi Note 11 Pro Plus के 13.0.4.0 अपडेट के अंदर। स्टेबल अपडेट था, 370 MB का साइज था। आई होप आज की वीडियो पसंद आई, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टैग करूंगा, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।